बांके बिहारी जी हमारे यहाँ हमारी कुल देवता हैं, वृंदावन के कुल देवता हैं हमारे बिहारी जी, उनका दर्शन न किए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। पर जरा वहाँ भी सुनो गुरु शिष्य की परंपरा, वहाँ भी देखो कैसी परंपरा है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, कुंज बिहारी श्री हरिदास, वहाँ तो एक ऐसी कथा है आप पूछना कि ठाकुर प्रिया प्रियतम आकर के रिझा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, और शिष्य कह रहे हैं हम नहीं पहचानते आप। अरे बोला हम ठाकुर जी हैं। बोला ठाकुर जी हो तो राधा रानी कहाँ है? तो राधा रानी को ले आए। अच्छा तो मोर मुकुट कहाँ है? बोला मोर भी ले आए। बंसी कहाँ है? बोले ये भी ले आए। तो उन्होंने कहा ऐसे 12 आने के मोर मुकुट खरीदने वाले बहुत घूमते रहते, 4 आने में मोर 1.5 रुपए की मुरली लेके गोविंद बनने आ गए। अब तो ठाकुर जी को लगा राधा रानी भी बुलवा लिया, फिर भी नहीं मान रहा। ठाकुर जी पहली बार गच्चा खाए थे जीवन, बताओ एक तो राधा रानी को बुलवा लिया हमसे, हमने विश्वास देने के लिए बुला लिया, और अब कहता है ये लीला वाले ठाकुर बहुत घूमते रहते हैं, हम नहीं मानते। बोला कैसे मानेगो? बोला हमारे गुरुदेव भगवान जब आकर कहेंगे कि यही राधा कृष्ण है तब सुनेंगे। सशरीर नहीं है गुरुदेव, यद्यपि कभी कहीं जाते नहीं वो, जब जनाबाई के यहाँ मीराबाई के यहाँ कबीर पहुँच सकते हैं, जब उनका शरीर नहीं था तो संत कहीं जाते नहीं, गुरु कहीं जाते नहीं, आत्मिक रूप से तो रहते ही हैं। उन शरीरों से भी शिष्यों को कई बार दर्शन हुआ, हमारे यहां तो कथाएं भरी हुई। और जब वो महाराज गुरुदेव भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके प्रिया और प्रीतम को अपनी गोद में बिठाया और शिष्य से कहा आंखें खोलो, तो पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा ये हैं प्रिया प्रीतम, प्रणाम करो, और अब जाकर उन्होंने प्रणाम किया। यही वृंदावन की भूमि है, यही माँ के बिहारी की भूमि है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का इतना महत्व है आप मिटा नहीं सकते। लोग कहते हैं गोविंद की भूमि है, मैं दावे से कह सकता हूँ वृंदावन तो गुरु शिष्य परंपरा की भूमि है। यहाँ पर तो गुरु और शिष्य की, गोविंद तो है ही, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु ही श्री कृष्ण है, कृष्ण से बड़ा कौन है? हमारे नंदन नंदन से बड़ा कौन है? हमारे गोविंद से बड़ा कौन है? हमारे नंदलाला से बड़ा कौन है? वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन यह भी है कि गोविंद का दर्शन, गोविंद का आप्यायन तब तक संभव नहीं है जब तक गुरु के ज्ञान से तुम समन्वित नहीं हो जाते, पूर्ण नहीं हो जाते। अधूरा ज्ञान कभी गोविंद का दर्शन नहीं करा सकता। कर सकते हो विग्रहों का दर्शन, विग्रह दर्शन और गोविंद दर्शन में बहुत अंतर है। करो तुम विग्रह दर्शन, समस्त विग्रहों को रखकर रावण भी पूजा कर, कोई विग्रहों को मिटाया नहीं था रावण ने, यज्ञ करता था, सुंदर यज्ञ चल रहा था, कितने यज्ञ होते थे, हवन होते थे, संध्या करता था, वंदन करता था, लेकिन केंद्र जगत था, जगदीश नहीं थे। नहीं तो सामने राम खड़े हैं मानने को तैयार नहीं है, प्रभु खड़े हैं बोला तपसी है, घर से माँ बाप ने निकाल दिया है, कोई लायक बेटा को थोड़ी कोई निकालता होगा, पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलता है। जब अज्ञानता आपके जीवन में हो, मदांध हो गए हो, मोहांध हो गए हो, तो आपकी वाणी बिगड़ जाती है, आपके विचार बिगड़ जाते हैं, आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर सामने गोविंद खड़ा हो कि गुरु खड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? काग भुसुंडी जी के पूर्व के जीवन की कथा, गुरुदेव भगवान के दिए मंत्र और कृपा से भगवान शंकर जब प्रकट होते हैं तो गुरु का अपमान करके शिव जी की तरफ भाग जाता है, और गुरु अपमान के फलस्वरूप शिव जी जब रुष्ट होते हैं और कहते हैं अब फिर से तेरा शुरू हुआ 84 का चक्कर कर, तो गुरु सामने खड़े हो जाते हैं, गुरु शिष्य के बीच में आप क्यों आ गए? भोलेनाथ बोले तुम्हारे ही कारण तो कर रहा हूं गुरु जी, तुम्हारा अपमान किया इसलिए इसको मैंने ये दिया। बोला हमारा शिष्य। गुरु बोला दोनों बड़े मिले हुए, अपमान सह के भी ऐसे ही बोलता। बोला हे महादेव, हे भोलेनाथ, शिष्य है मेरा, पुत्र है, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर दो, कृपा कर दो। अपमान सहने के बाद भी
भगवान के श्राप से अगर कोई मुक्त कराने वाला इस पृथ्वी पर एकमात्र तुम्हारा हितैषी है तो तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान हैं और कोई नहीं। अनंत अपमान सह के भी और फिर जन्म तो उनको लेना पड़ा। भगवान ने कहा कि नहीं भाई जन्म तो लेने पर जन्म और मृत्यु का कष्ट इसको नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब गिरगिट बना, कब सांप बना, कब स्याल बना, कब कुकुर बना, पता नहीं चलेगा। इसकी मुक्ति होती जाएगी जल्दी 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 होती जाएगी, जन्म मरण इसका होता रहेगा। लेकिन कौए के शरीर में काकभुसुंडी जी को इतना पसंद आ गया वो शरीर कि अब इसी शरीर से राम कथा हो रही है तो उन्होंने मुक्ति भी त्याग दिया, कहा हम कौए ही बन के रहना चाहते। तो हमको तो ये लगता है मनुष्य के रूप में भी हरि और हरि कथा से अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है तो तुमसे तो करोड़ गुना अच्छे वो कौआ का शरीर लिए हुए काकभुसुंडी जी महाराज हैं जो उस शरीर से भी हरि का कथा कहते हैं और गरुड़ जैसे लोग आकर के कथा का श्रवण करते हैं। तो शरीर भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया, किस जाति में आए, किस वर्ण में आए, कहाँ रहे, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही, कोई फर्क नहीं पड़ता।